ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी दुर्ग यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं या अभी नए हैं, तो सभी के लिए दुर्ग यूनिवर्सिटी से बहुत ही लेटेस्ट यहाँ पर नोटिफिकेशन आज ही की डेट में जारी हुआ। मैं डेट आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 26 दिसंबर आज है और आज ही का ये नोटिफिकेशन है। तो देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। जैसे कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि यहाँ पर जो मुख्य परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा को लेकर फॉर्म भरने के लिए डेट जारी हो गए हैं। तो कब से कब तक ये परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन रूप से, ये जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। और लेट फीस के साथ भी कब से कब तक भर सकते हैं, जरूरी निर्देश भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए, जो कि आज के डेट में 26 दिसंबर 2023 के डेट में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो सबसे पहले बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए रेगुलर एक्स एटीकेटी के छात्रों के लिए सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर जनवरी के लिए फॉर्म भरने की डेट आ चुकी है। तो यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं 28 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक, और इसकी हार्ड कॉपी 4 जनवरी तक जमा करना है, ठीक है। और जो पहले के स्टूडेंट है, प्रथम सेमेस्टर के जो स्टूडेंट नामांकन फॉर्म भरने के लिए जो यूजर आईडी और पासवर्ड यूज किए थे, उसी से लॉग इन होकर ये फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। और जिनके रिजल्ट रोके गए हैं और किसी कारण रिजल्ट जारी नहीं हुए, तो जैसे रिजल्ट जारी होंगे उसके 3 दिनों के भीतर आप ये फॉर्म भर पाएंगे। टेंशन मत लीजिए, अगर ये डेट पार भी हो जाती है तो भी जैसे आपका रिजल्ट जारी होगा उसके बाद आप लोग भर पाएंगे, अगर डेट निकल जाएगी तो भी, ठीक है। और कुछ भी किसी भी प्रकार के अगर फॉर्म में त्रुटि होती है तो अपने कॉलेज लेवल पर ही सुधार कर लीजिए, फ्री में हो जाएगा। अगर यूनिवर्सिटी जाएंगे तो ₹120 आपको फीस लगने वाला है। अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होती है तो ये जो नंबर दिख रहा है इस पर आप लोग कॉल कर पाएंगे, ठीक है। तो फॉर्म भरिए बीएड वाले। उसके बाद यहाँ पर मैं फीस बता देता हूँ बीएड का, फर्स्ट सेमेस्टर का। रेगुलर वालों के लिए ₹1190 है, एक्स वालों के लिए भी उतना ही है, लेकिन एटीकेटी वालों के लिए ₹765 है, जो कि ऑनलाइन आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो बात कर रहा था मैं, आज के डेट में वार्षिक परीक्षा यानी कि मुख्य परीक्षा के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हो गया फॉर्म भरने के लिए। तो किसके किसके लिए है, देखिए 2023-24 सत्र के यूजी लेवल के रेगुलर प्राइवेट एक्स और सप्लीमेंट्री वाले, यानी कि जो अभी काफ़ी सारे, मैंने हाल ही में पिछले वीडियो में रिजल्ट में आपको बताया था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम जो कि अक्टूबर में होता है उसके बाद भी पूरक आए हैं। तो जिनको अभी भी चांस है वो लोग फिर से पूरक फॉर्म इस जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें भर पाएंगे, ठीक है। तो यूजी लेवल के रेगुलर प्राइवेट भूतपूर्व एक्स और पूरक वाले भी भर सकते हैं, और उसके साथ साथ एमफिल पीजी डिप्लोमा परीक्षा और पीजी लेवल के प्राइवेट जो पीजी के हैं कोर्सेज उसके प्राइवेट वाले भी ये फॉर्म भर पाएंगे। तो यहाँ पर किसी बिना विलंब शुल्क के 4 जनवरी से स्टार्ट होगी, 4 जनवरी से लेके 14 जनवरी तक ये फॉर्म आप लोग ऑनलाइन भर पाएंगे, और ₹100 विलंब शुल्क के साथ 15 जनवरी से 21 जनवरी तक भर पाएंगे, और हार्ड कॉपी 22 जनवरी तक आपको जमा करना है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है, सभी को ABC यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ID बनाना ज़रूरी है। इसके लिए लिंक है www.abc.gov.in, ठीक है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाने के बाद ही आप लोग परीक्षा फॉर्म भर पाएंगे। जो लोग नामांकन करते समय पहले ही ABC अकाउंट बना चुके हैं ID, वो लोग यहाँ पे दोबारा बनाने की उनको ज़रूरत नहीं है। जो लोग पहली बार यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं उनको ज़रूरत है। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, जिनका नामांकन नहीं हुआ है, सबसे पहले आपको नामांकन करना है, तभी परीक्षा फॉर्म भर पाएंगे। तो नामांकन करना जरूरी है, सबसे पहले नामांकन फॉर्म भरिए जिनका नामांकन नहीं हुआ है। अगर हो गया है तो सीधा वही यूजर आईडी और पासवर्ड यूज करके आप लोग परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। इसी प्रकार की गलती के लिए कॉलेज लेवल पर उसको सुधार करवा लीजिए। अगर यूनिवर्सिटी जाएंगे तो ₹120 आपको शुल्क यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सभी लोग ये फॉर्म भर पाएंगे, और जिनके रिजल्ट जारी नहीं हुए, अगर रिजल्ट जैसे कि पूरक वाले हैं, विथहेल्ड या फिर रिवैल्यूएशन रिटोटलिंग वाले, तो जैसे रिजल्ट जारी होंगे उसके 3 दिनों के भीतर ये लोग भर पाएंगे। अब रिजल्ट परीक्षा होने के पहले कभी भी जारी होगा तो भी भर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो सामान्य चीज़ें हैं जो कि मैं हर बार आपको बताता हूँ, तो इस बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस प्रकार से क्या भरना है। जो गैप वाले उनको तो गैप सर्टिफिकेट लगा नोटरी शपथ पत्र के साथ में,
और दो डिग्री एक साथ नहीं कर सकते, डीसीए को छोड़कर जो कि एक साल का पार्ट टाइम होता है। और उसके बाद देख ठीक है, सारी चीज़ें वही है जो कि पिछले वीडियो मैंने बताया था। और जो एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जो प्राइवेट वाले स्टूडेंट है जो जिनके कोर्स में प्रायोगिक परीक्षा शामिल है, यानी कि जो प्रैक्टिकल वाले हैं, प्रैक्टिकल विषय वाले प्राइवेट स्टूडेंट हैं, उनको अपने कॉलेज से पहले उसका प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना है कि आपने प्रैक्टिकल पूरा किया है, तभी जाके आप एलिजिबल होंगे ये फॉर्म भरने के लिए। तो आप जो भी कॉलेज से फॉर्म भरे थे प्रैक्टिकल वाले, वो प्रैक्टिकल विषय आपने पूरा कंप्लीट किया है, ऐसा एक प्रमाण पत्र आपको उस कॉलेज से लेकर इसमें अटैच करना होगा, तभी आपको यहाँ पर ये फॉर्म भरने दिया जाएगा, नहीं तो फिर फॉर्म निरस्त हो जाएगा। एडमिट कार्ड अगर आपका जारी होता है जनरली टाइम टेबल आने के बाद, जैसे एग्ज़ाम होने की जो डेट रहेगी उसके एक सप्ताह पहले जारी होता है, तो अगर उसमें कोई फॉल्ट रहेगा तो उसको भी आप जो है परीक्षा जो कॉलेज है यूनिवर्सिटी वहाँ पर जाकर सुधार सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर अब आपको फीस बता देता हूँ। बीए बीकॉम का 1100 रुपये है रेगुलर का, और प्राइवेट का 1610 रुपये है, भूतपूर्व का भी 1100 और पूरक वालों का 820 रुपये है। बीएससी होम साइंस का 1130 रेगुलर और भूतपूर्व के लिए, प्राइवेट वालों के लिए 1610 रुपये और सप्लीमेंट्री वालों का 1075 रुपये। बीसीए का 1810 रेगुलर और भूतपूर्व का और सप्लीमेंट्री वालों का 1075 है। एमए एमकॉम एमएससी गणित प्राइवेट वालों के लिए ये है, सिर्फ प्राइवेट वालों के लिए रहेगा क्योंकि पीजी लेवल में प्राइवेट वाले ही इसमें फॉर्म भर पाएंगे। तो भूतपूर्व और प्राइवेट वालों के लिए 1610 रुपये है। और बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का रेगुलर और भूतपूर्व के लिए 1085। बीए बीएड का 1250 रुपये रेगुलर और भूतपूर्व का, और पूरक के लिए यहाँ पर 820 रुपये है। पीजी डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट साइकोलॉजिकल गाइडेंस एंड काउंसलिंग का 1190 रुपये रेगुलर और एक्स वालों के लिए। एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी सोशल वर्क 1380 रुपये रेगुलर और एक्स वालों के लिए। ये सारे पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से कर सकते हैं, और पेमेंट में कोई दिक्कत आती है तो ये नंबर पर आप लोग कॉल कर पाएंगे। ठीक है, उसके जो ये अभी मैंने फीस बताया उसमें ये सारे फीस उसी के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। और उसके बाद ये जो है अलग अलग टाइप के, जैसे कि दूसरे यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं तो माइग्रेशन वगैरह लगता है, तो वो सारे 360 रुपये फॉरेन स्टूडेंट के लिए भी लगता है। वो है विषय प्रश्न पत्र संकाय परिवर्तन 120 रुपये। गर्ल्स है अगर उनका मैरिज हो चुका है तो नाम चेंज करने के लिए 180 रुपये। अतिरिक्त विषय पर्यावरण अध्ययन का 180 रुपये। श्रेणी सुधार का फॉर्म भर रहे तो डबल फीस लगता है। और प्रोजेक्ट कार्य एमए एमएससी एमकॉम का 240 रुपये, एमफिल का 360, डिप्लोमा का 240, त्रुटि सुधार के लिए 120 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार से काफ़ी सारे यहाँ पे फीस के बारे में डिटेल से दिया गया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यहाँ से सारी चीज़ें आप लोग आराम से पढ़ भी पाएंगे। और कोशिश करूंगा मैं 4 जनवरी के जैसे कि फॉर्म आएगा ऑनलाइन आपको भर के एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें दुर्ग यूनिवर्सिटी का वार्षिक परीक्षा फॉर्म कैसे भरा जाता है ये आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखिए 4 जनवरी के दिन जो वीडियो आएगा हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि ऑनलाइन फॉर्म आप लोग कैसे भर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, और मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।